दिवाली पर हम सभी मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाई खाते हैं और खूब सारी मस्तियां करते हैं। लेकिन बढ़ता हुआ प्रदूषण आपकी दिवाली का मजा किड़किड़ा कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि दिवाली मनाते समय हम कुछ बातों का खास ध्यान रखें ताकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा ना बने। जाने किन बातों का ध्यान रखना है, दिवाली पर प्रदूषण के दुष्प्रभावों से अपनी रक्षा कैसे करना है। पटाखे ना जलाएं, प्रदूषण 400 AQI पार कर चुका है। ऐसे में पटाखे जलाने से समस्या और भी गंभीर हो सकती है। पटाखों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है। हवा में मिलकर ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से खतरा बढ़ सकता है। पटाखों से होने वाला शोर पेट्स और बूढ़ों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए पटाखे बिल्कुल भी ना जलाएं, बल्कि दिए जलाकर दिवाली को मनाएं। धूप और अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें। धूप और अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। प्रदूषण की वजह से हवा की गुणवत्ता पहले से ही खराब है, जिस वजह से सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। अगरबत्ती और धूप जलाने की वजह से ये समस्या और भी अधिक बढ़ सकती है, इसलिए धूप जलाने की जगह दिए जलाएं। दिवाली के खास मौके पर हम चाहते हैं कि हमारा घर खूबसूरत दिखे और खुशबू से महकता रहे, इसलिए अक्सर हम रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एयर फ्रेशनर से निकलने वाले पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। साथ ही सेंटेड कैंडल्स का भी इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके बचाव करें, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट कर सकते हैं। खूब सारा पानी पिए। पानी आपकी श्वास नली की म्यूक्स की परत को मोटा नहीं होने देता। म्यूक्स की परत मोटी होने पर सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। इसके साथ ही आप गर्म पानी का भाप भी ले सकते हैं, इससे आपके गले में इकट्ठा हुए प्रदूषण तत्व साफ हो जाएंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। अपने घर की हवा को साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, इससे आपके घर की हवा शुद्ध होगी और आपको सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगी। साथ ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का भी खतरा कम हो सकता है। दिवाली पार्टी का आयोजन घर के अंदर करें। दिवाली पर हमारे परिवार और दोस्त इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्तियां करते हैं। बाहर प्रदूषण की वजह से लंग इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए अपनी दिवाली का आयोजन घर के भीतर ही करें। छत, बालकनी, इन सब के नीचे रहकर ही अपनी दिवाली को अच्छे तरीके से मनाएं।